खबर हम आपको दिखा रहे हैं, अलगाववादी नेता मसरत आलम ने किस तरीके से में एक रैली दौरान पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए। उस रैली में सब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। ये सारी चीजें देखकर बीजेपी की तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि ये देशद्रोह मामला है। पीडीपी का रुख अभी भी नरम नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही अलगाववादी नेता मसरत आलम जेल से रिहा हुआ था, लेकिन श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में उसने सैयद अली शाह गिलानी की सभा में जमकर पाकिस्तान लगाए। यहां तक कि भारत के दुश्मन नंबर वन हाफिज सईद के लिए मसरत नारा लगाता रहा। एक तरफ पाकिस्तान में कश्मीर को मिलाने की हेकड़ी दिखा रहा था, दूसरी तरफ समर्थक पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे थे। क्या कोई हिंदुस्तानी ऐसी जुबान बोल सकता है जिसे वतन से प्यार होगा? क्या वो वतन से गद्दारी वाले नारे लगा सकता है? लेकिन ये नारा वो मसरत आलम लगा रहा है जिसे चंद दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार ने रिहा किया था। जब मसरत पाकिस्तान परस्ती के नारे लगा रहा था, तब दर्जनों लोगों के हाथों में पाकिस्तान का झंडा था। जमीन हिंदुस्तान की, जयकार पाकिस्तान का। इसे सिर्फ एक अलगाववादी का प्रदर्शन नहीं, एक देशद्रोही का प्रलाप कहा जाएगा। इसीलिए तो हर जगह से मसरत के खिलाफ आवाज उठने लगी। आज अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे। गिलानी के स्वागत में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ही अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्तों ने एक रैली की, और उसी रैली में मसरत अपने असली चेहरे के साथ सामने आया। ज्यादा दिन नहीं हुए जब एक और अलगाववादी नेता आसिया अंदरीबी ने भी एक रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराए थे। ये सब तब हो रहा है जब खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली बीजेपी मुफ्ती सरकार में पार्टनर है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तान का क्या पैगाम? तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान, पाकिस्तान।